हेलो डिफेंस लवर्स, आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। अमेरिका से 30 प्रेडेटर आर्म्ड ड्रोन्स को खरीदने के लिए इंडियन नेवी भारतीय रक्षा मंत्रालय को अप्रोच करने के लिए है तैयार। चाइनीज वायरस पैंडेमिक के चलते धनुष आर्टिलरी गन के इंडक्शन में हो सकती है देरी। प्राइवेट इंडस्ट्री से खरीद करने के लिए रक्षा मंत्रालय ने इस साल के लिए रिजर्व करे हैं 17,500 करोड़ रुपए। प्राइवेट स्पेस कंपनीज के मामले में दुनिया भर में भारत का है 5वां स्थान और पीओके में पाकिस्तानी आर्मी की हरकतों की खुली पोल। हिंदुस्तान टाइम्स की तरफ से जारी की गई रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका से 30 प्रेडेटर आर्म्ड ड्रोन्स को खरीदने के लिए इंडियन नेवी रक्षा मंत्रालय को अप्रोच करने के लिए तैयार है और ये ड्रोन्स खास करके प्रिसिशन स्ट्राइक कैपेबिलिटी के साथ आने वाले चीन के विंग लॉन्ग 2 ड्रोन से उभरने वाले चुनौतियों का सामना करने के लिए लिए जाने हैं। और चूंकि चीन के जो भी वेपनाइज ड्रोन है ये पाकिस्तान द्वारा भी एक्वायर किए गए हैं और जबकि चीन और पाकिस्तान ने इन्हें संयुक्त रूप से प्रोड्यूस करने की योजना भी बनाई है, तो इन्हीं सब चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए अब इंडियन नेवी अमेरिका के प्रेडेटर आर्म्ड ड्रोन्स की जो खरीद है उसे जल्दी चाहती है। और अमेरिका से जो ये 30 प्रेडेटर आर्म्ड ड्रोन्स लिए जाएंगे ये इंडियन आर्म फोर्सेस की तीनों सर्विसेज के लिए होंगे, यानी कि आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, सभी के लिए 10-10 ड्रोन। और अभी कुछ समय पहले इंडियन नेवी ने अमेरिका से जो 2 अनआर्म्ड प्रेडेटर ड्रोन्स लीज पर लिए थे तो नेवी उनकी परफॉर्मेंस से काफी ज्यादा सेटिस्फाइड है, तो इसी वजह से इंडियन नेवी ड्रोन्स की और खरीद करना चाहती है। लेकिन इस बार जो खरीद होगी वो आर्म्ड वर्जन की होगी और ये ड्रोन गाइडेड बॉम्ब और हेल्थ फायर मिसाइल के साथ इक्विप्ड होंगे। और इन ड्रोन्स की खरीद के लिए आर्मी और एयरफोर्स दोनों के नेतृत्व के रूप में इंडियन नेवी को ही डेजिग्नेट किया गया है और ये प्रोसेस समय पर आगे बढ़ सके इसके लिए डिफेंस सेक्रेटरी डॉक्टर अजय कुमार की अध्यक्षता में डिफेंस प्रोक्योरमेंट बोर्ड मीटिंग को जल्द से जल्द कंडक्ट कराने के लिए कहा गया है। और अगर यहां से एक बार मंजूरी मिलती है तो फिर इंडियन नेवी इस प्रोजेक्ट की एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी के लिए डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के पास आगे बढ़ेगी और फिर ड्रोन्स की जो खरीद है वो अमेरिका की फॉरेन मिलिट्री सेल्स रूट के माध्यम से की जाएगी। और इसी बीच इंडियन आर्मी भी इसराइल से हेरन यूएवीज को लीज पर लेने की प्रोसेस पर काम कर रही है और जबकि आर्मी की सर्विस में जो पहले से हेरन यूएवीज मौजूद हैं उन्हें भी डेटा लिंक और बेटर रडार्स के साथ अपग्रेड किया जाएगा। और जबकि एक रिपोर्ट ये भी है कि कावेरी इंजन के ड्राई वेरिएंट को मैन्युफैक्चर करने के लिए डीआरडीओ के गैस टर्बाइन एंड रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट यानी कि जीटीआरई एचईएल के साथ पार्टनरशिप करेगी और कावेरी इंजन के इस ड्राई वेरिएंट का जो प्रोडक्शन है वो 2024 से 2025 तक स्टार्ट होने की पूरी संभावना है। और जिन्हें नहीं पता है उन्हें बता दें कि कावेरी इंजन के ड्राई वेरिएंट को खास करके भारत के अनमैन कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जैसे प्रोजेक्ट में इस्तेमाल किया जाएगा। भारतीय रक्षा मंत्रालय ने इंडियन नेवी और इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए मोनोपल्स सेकेंडरी सर्विलेंस रडार के साथ 11 एयरपोर्ट सर्विलेंस रडार्स को खरीदने के लिए महिंद्रा टेलीफोनिक इंटीग्रेटेड सिस्टम लिमिटेड के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है और इन रडार्स की जो खरीद है वो 323.47 करोड़ रुपए की कीमत पर की जाएगी। और इस डील को बाय एंड मेक कैटेगरी के तहत रखा गया है और ऑफिशियल्स के मुताबिक इस कॉन्ट्रैक्ट के साथ ही भारत सरकार ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया है। और ये जो रडार्स हैं ये इंडियन नेवी और इंडियन कोस्ट गार्ड के फ्लाइंग ऑपरेशंस के दौरान एयरफील्ड के आसपास एयर डोमेन अवेयरनेस को बढ़ाने के साथ साथ सेफ्टी और एफिशिएंसी को भी इन्हेंस करेगी। और आपको क्लियर कर दें कि यहाँ पे जिस तरह की रडार सिस्टम को खरीदने की बात की गई है वो एयर ट्रैफिक कंट्रोल में इस्तेमाल होने वाला सिस्टम है और ये सिस्टम मिलिट्री आइडेंटिफिकेशन फ्रेंड और फोर टेक्नोलॉजी पर आधारित होगा। और जबकि इकोनॉमिक टाइम्स की तरफ से एक रिपोर्ट जारी करके इस बारे में भी जानकारी दी गई है कि भारतीय रक्षा मंत्रालय ने इस साल प्राइवेट इंडस्ट्री से खरीद करने के लिए करीब 17,500 करोड़ रुपए को रिजर्व में रखा है, यानी कि जो ये 17,500 करोड़ रुपए रिजर्व में रखे गए हैं इनका इस्तेमाल प्राइवेट इंडस्ट्रीज से ही डिफेंस प्रोक्योरमेंट में किया जाएगा। और ये जो फैसला है ये डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के साथ लोकल इकोसिस्टम को क्रिएट करने के लिए लिया गया है। और बाकी एक रिपोर्ट ये भी है कि इंडियन नेवी की पहली स्वदेशी तौर पर डिजाइन और मैन्युफैक्चर की गई हाइड्रोग्राफिक सर्वे शिप जिसका नाम है INS संधायक, तो अब इस वेसल को 4 जून यानी कि कल शुक्रवार को इंडियन नेवी की सर्विस से डीकमीशन कर दिया जाएगा। और बता दें कि INS संधायक इंडियन नेवी में 40 सालों की अपनी सर्विस दे चुकी है। बाकी इस वेसल की जो डीकमीशनिंग प्रोसेस है वो नेवल डॉकयार्ड विशाखापट्टनम में आयोजित की जाएगी और एक सर्वे मिशन के तौर पर इस INS संधायक ने कई सारे महत्वपूर्ण ऑपरेशंस में पार्टिसिपेट किया है जैसे कि ऑपरेशन पवन, ऑपरेशन सरंग और ऑपरेशन रेनबो, और इसने भारत और अमेरिका की जॉइंट ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट एक्सरसाइज टाइगर ट्रंप में भी पार्टिसिपेट किया है। द प्रिंट की तरफ से एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें कुछ सोर्सेज के हवाले से बताया गया है कि जो भारत की धनुष आर्टिलरी गन्स हैं जो कि देसी बोफोर्स के नाम से जानी जाती हैं, अब इंडियन आर्मी के सर्विस में इन गन्स के इंडक्शन को चाइनीज वायरस पैंडेमिक के चलते देरी का सामना करना पड़ सकता है। और इतना ही नहीं बल्कि इस रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन आर्मी ने धनुष आर्टिलरी गन्स की प्रोडक्शन क्वालिटी को लेकर भी चिंता व्यक्त की है
हालांकि इंडियन आर्मी इस गन की फायर पावर और मोबिलिटी से तो पूरी तरीके से सेटिस्फाइड है, लेकिन आर्मी ने इसकी प्रोडक्शन क्वालिटी में कुछ इश्यूज फाइंड किए हैं। आपको बता दें कि इस धनुष आर्टिलरी गन को मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थित गन कैरेज फैक्ट्री द्वारा मैन्युफैक्चर किया जा रहा है और इस रिपोर्ट के मुताबिक इन आर्टिलरी गन्स का जो प्रोडक्शन सिस्टम है वो पूरी तरीके से स्टेबलाइज नहीं है और इसके हाइड्रोलिक साइट और कुछ केसेस में इसकी माउंटिंग को लेकर भी इश्यूज सामने आए हैं। बाकी सोर्सेज के मुताबिक इंडियन आर्मी को फिलहाल इसके प्रोडक्शन सिस्टम के स्टेबलाइज होने का इंतजार है ताकि इन गन्स को एक बड़ी संख्या में इंडियन आर्मी की सर्विस में इंडक्ट किया जा सके। और बाकी चाइनीज वायरस पैंडेमिक की वजह से भी इसके इंडक्शन में देरी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जिस फैक्ट्री पर इन गन्स को बनाया जाना है उस फैक्ट्री में पैंडेमिक के चलते काम रुका हुआ है। और बाकी इंडियन आर्मी ने इस धनुष आर्टिलरी गन की 114 यूनिट्स को खरीदने के लिए ऑर्डर दिए हैं। इसके अलावा जबलपुर में स्थित सेंट्रल ऑर्डनेंस डिपो से AK-47 राइफल्स के चोरी होने की रिपोर्ट सामने आई है। असल में हुआ यह है कि NIA की इन्वेस्टिगेशन में इस बात का खुलासा हुआ है कि जबलपुर की जो इस सेंट्रल ऑर्डनेंस डिपो है वहां के कुछ एम्प्लॉयज और एक्स एम्प्लॉयज ने AK-47 राइफल्स एक बड़ी संख्या में AK सीरीज के राइफल्स को चुराया था और जो स्मगलर्स के ग्रुप नक्सल्स इन सभी को सप्लाई किए गए थे और अभी तक चोरी हुई ऐसी करीब 22 AK-47 राइफल्स को रिकवर किया गया है और इस मामले में NIA अभी तक करीब 14 लोगों पर चार्ज लगा चुकी है। और इसी मामले में NIA ने अभी हाल ही में बिहार के गया डिस्ट्रिक्ट में रहने वाले राजीव कुमार सिंह पर भी चार्ज फाइल किया है और बता दें कि ये मामला 2018 का है जिस पर इन्वेस्टिगेशन अभी तक चल रही है। TBRL यानी कि टर्मिनल बैलिस्टिक रिसर्च लेबोरेटरी और इसरो की ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर के बीच एक MOU साइंड हुआ है जिसके तहत TBRL गगनयान स्क्रू मॉडल पर हाइपर वेलोसिटी इंपैक्ट स्टडीज को कंडक्ट करेगी। आपको बता दें कि TBRL DRDO लेबोरेटरीज का हिस्सा है जो कि मुख्य रूप से मिसाइल्स के बैलिस्टिक इवेलुएशन, वॉरहेड्स, एक्सप्लोजिव्स और ऐसी अदर प्रोजेक्टाइल्स पर काम करती आई है और अब ये लेबोरेटरी गगनयान क्रू मॉडल के मटेरियल स्पेसिमेन को टेस्ट करेगी और ये टेस्ट खास करके इस बात की जांच के लिए है कि क्या ये गगनयान का क्रू मॉडल स्पेस में घूमने वाले माइक्रोमीटेराइड और ऑर्बिटल डेब्रिस का सामना कर सकता है या नहीं। और जो ये हाइपर वेलोसिटी इंपैक्ट स्टडीज नाम का टेस्ट है इसका सीधा सा मतलब यह है कि स्पेस मिशन के दौरान क्रू मेंबर्स की सेफ्टी को सुनिश्चित करने के उद्देश्य के साथ ये टेस्ट कराया जाता है। और जबकि भारत के स्पेस टेक सेक्टर को लेकर एक रिपोर्ट ये भी निकल के सामने आई है कि प्राइवेट स्पेस कंपनीज के मामले में भारत की जो ग्लोबल रैंकिंग है वो 5वें नंबर पर है, क्योंकि भारत में 350 से भी अधिक प्राइवेट स्पेस कंपनीज हैं और ये संख्या जापान, चाइना और रशिया से कहीं ज्यादा है, क्योंकि जापान में प्राइवेट स्पेस कंपनीज की संख्या है 184, रशिया में है 56 और चीन में है 288। जम्मू कश्मीर के अवंतीपुरा में लॉन्च किए गए जॉइंट ऑपरेशन के दौरान एक एक्टिव टेरर ऑपरेटिव अमीन मलिक को ढेर किया गया है। ये जो ऑपरेशन है ये अवंतीपुरा पुलिस CRPF की 180 बटालियन और 42 RR द्वारा लॉन्च किया गया था। बाकी आज राजस्थान में भारत पाकिस्तान सीमा के पास से BSF ट्रूप्स ने 56 किलोग्राम तक के हेरोइन को सीज किया है और फोर्स द्वारा रिकवर किया गया अभी तक का सबसे अधिक क्वांटिटी का नार्कोटिक है। और जबकि कल बुधवार को पंजाब फ्रंटियर पर BSF ट्रूप्स ने एक सर्च ऑपरेशन के दौरान 2 पिस्टल्स, 2 मैगजीन और 13 राउंड को भी बरामद किया है और ये जो हथियार बरामद हुए हैं ये पंजाब के गुरदासपुर में बॉर्डर फेंसिंग से थोड़ा आगे मिले हैं। बाकी जैसा कि कल हमने आपको बताया था कि इंडियन आर्मी चीफ जम्मू कश्मीर के 2 दिवसीय दौरे पर हैं और अपने इसी दौरे के दौरान इंडियन आर्मी चीफ ने अपनी ट्रूप्स को सीमा पर पूरी तरीके से अलर्ट रहने के लिए कहा है। और बाकी इसी बीच कुछ निकम्मे लोगों की हरकत के बारे में भी एक रिपोर्ट सामने आई है कि अभी हाल ही में एक वीडियो वायरल हुई है और इस वीडियो में पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के रहने वाले एक निवासी ने इस बात का खुलासा किया है कि पाकिस्तानी आर्मी किस तरीके से POK में जबरन जमीन पर कब्जा करने की कोशिश कर रही है। और POK के इस निवासी ने वीडियो के माध्यम से दिखाया है कि पाकिस्तानी आर्मी ने यहाँ के प्राइवेट जमीन पर अपने कैंप्स को स्थापित किया है, यानी कि ये वो जमीन है जो इस रीजन के रहने वाले निवासियों की है। और जिस POK रेजिडेंट की तरफ से वीडियो आई है उसका कहना है कि इस वीडियो को शूट करने का मेरा पर्पस यही है कि मैं आपको दिखा सकूं कि पाकिस्तानी आर्मी यहाँ किस तरह की एक्टिविटी कर रही है। कल के जो हमारे टॉप 3 कमेंट्स हैं वो कुछ इस प्रकार है। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही और अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख चुके हैं तो इसे लाइक करे बिना कहीं ना जाएं। बाकी इस एपिसोड को लेकर आप अपने सजेशंस और क्वेरीज कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं और अगर आप उनमें से हैं जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।